तो गाइस बड़े लंबे समय के बाद हम सभी क्रिकेट फैंस के लिए कोई अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बड़े लंबे समय से कोरोना वायरस की वजह से पूरे संसार का क्रिकेट बंद पड़ा हुआ है और अब 22 मार्च से दोबारा से क्रिकेट की इस जगत में शुरुआत होने वाली है। दरअसल दोस्तों, 22 मार्च से विंसी T10 लीग की शुरुआत होने वाली है और आज इस वीडियो में हम आपको इस T10 लीग की डेट्स, शेड्यूल्स, टाइमिंग्स और साथ ही साथ सभी टीम्स के बारे में एकदम सारी जानकारी देने वाले हैं। तो इस T10 लीग के बारे में एकदम सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले इस T10 लीग के बारे में बात करें तो इस T10 लीग के ऑक्शंस 11 मई को समाप्त हो चुके हैं। कुल 72 खिलाड़ियों को इस T10 लीग में ड्राफ्ट किया गया है इस ऑक्शन में और यह T10 लीग 22 मार्च से शुरू होने वाली है। इस T10 लीग में हमको कुल 30 मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं जो कि 9 दिनों में समाप्त हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट 9 दिन यह T10 लीग चलने वाली है। 9 दिनों में 30 मुकाबले इस T10 लीग में खेले जाने हैं और इस T10 लीग का जो अंतिम मुकाबला होगा यानी कि फाइनल मैच, वह 30 मई को खेला जाना है। इस T10 लीग में हमको वेस्टइंडीज के भी काफी बड़े-बड़े खिलाड़ी खेलते हुए दिखने वाले हैं, जैसे कि कैसरिक विलियम्स, क्रिस गेल और भी काफी सारे बड़े-बड़े खिलाड़ी इस T10 लीग में हमको खेलते हुए नजर आने वाले हैं। कई सारे रूल्स को भी इस T10 लीग में पहली बार अप्लाई किया जाने वाला है। और अगर हम सबसे पहले टीम्स के बारे में बात करें तो कुल 6 टीमें इस T10 लीग का हिस्सा होने वाली है। वह 6 टीमें होने वाली है, सबसे पहले BR रेंजर्स, उसके बाद होने वाली है G डाइवर्स, SP ब्रेकर्स, LS हाइकर्स, DV एक्सप्लोरर्स और साथ ही साथ FC स्ट्राइकर्स। तो दोस्तों, ये 6 टीमें इस T10 लीग के हिस्से में होने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करें तो इस T10 लीग की जो टाइमिंग्स होने वाली है वो 22 मार्च से जितने भी मुकाबले होंगे वो भारतीय समय के अनुसार शाम के 6:30 बजे से हमको यह मैच देखने को मिलेगा। इस T10 लीग में काफी सारे नए नए रूल्स को भी अप्लाई किया गया है। तो दोस्तों, अगर हम सबसे पहले रूल के बारे में बात करें वो होने वाला है नो सलाइवा का, यानी कि दोस्तों जो पहले क्रिकेट में खिलाड़ी बॉल को शाइन करने के लिए अपने सलाइवा का यूज करते थे, अब इस T10 लीग में बॉल को शाइन करने के लिए सलाइवा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। एक नए तरह का लिक्विड इस बार क्रिकेट में आने वाला है जो बॉल को शाइन करने में मदद करेगा और यह T10 लीग में पहला नियम अप्लाई होने वाला है। दूसरे नियम के बारे में बात करें वो आया है ऑडियंस को लेकर। इस T10 लीग में काफी सारे नियमों के साथ ऑडियंस को भी अलाउड कर दिया गया है, तो काफी लंबे समय के बाद हमको कुछ पहले तरह की क्रिकेट दोबारा से देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, क्या आप इस T10 लीग के लिए एक्साइटेड हो? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से शेयर कीजिए और क्रिकेट की हर खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।